एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपने देखा होगा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन फ्रेज क्या होता है और वो प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू यूज़ अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो अपनी हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, हाउ टू यूज अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन फ्रेज को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं। कहता है कि नो मैटर विच टाइप ऑफ नाउन फ्रेज यू वॉन्ट टू यूज, यू विल हैव टू फाइंड द राइट स्पॉट फॉर इट इन अ सेंटेंस। तो ये क्या कह रहा है, कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से टाइप का नाउन फ्रेज यूज़ कर रहे हैं, बस आपको उसका सही तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ जैसे दे रखे हैं कि सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट कैसे होता है, नाउन फ्रेज एज अ ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू यूज अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अपनी सब हेडिंग डालते हैं, क्या है नाउन फ्रेज, फर्स्ट क्या है इसका पार्ट, नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। तो सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो वो क्या होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो लिखिए इसमें, व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस यू स्टार्ट अ सेंटेंस विथ अ नाउन फ्रेज एंड दैट नाउन फ्रेज परफॉर्म्स द एक्शन इन द सेंटेंस इट्स फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम नाउन फ्रेज को ऐसा सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, तो ये क्या कह रहा है कि व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस, जब तुम सेंटेंस को स्टार्ट करो विद अ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के साथ, एंड दैट नाउन फ्रेज परफॉर्म द एक्शन, और वही नाउन फ्रेज परफॉर्म कर रहा होगा एक्शन, इट मीन्स उस पर कुछ काम हो रहा होगा, तो इट्स फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट। तो वो कैसे काम करेगा, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे नाउन फ्रेज से, और नाउन फ्रेज क्या कर रहा होगा, एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसको कैसे माना जाएगा कि वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि द फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द स्पॉटेड पपी जंप्ड अराउंड हैप्पीली।
ये कह रहे थे स्पॉटेड पपी जंप्ड अराउंड हैप्पीली। स्पॉटेड मतलब जैसे स्पॉट बने हुए होते हैं, तो उस पपी पे क्या थे स्पॉटेड, मीन्स से वो धब्बेदार था, तो स्पॉटेड पपी खुशी से उछल कूद कर रहा था। हाँ कैसे पता चला, क्योंकि ईडी लगा है। तो इसमें अगर हम नाउन फ्रेज को देखें तो क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, नाउन फ्रेज से, द स्पॉटेड पपी, ये क्या है नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस अगर यहाँ पे लिखते हैं, माई यंगर सिस्टर वेंट टू नर्सिंग स्कूल, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, माई यंगर सिस्टर वेंट टू नर्सिंग स्कूल, मेरी सबसे छोटी बहन नर्सिंग स्कूल गई थी। इसमें किसके बारे में बात हो रही है, यंगर सिस्टर के बारे में। तो इसमें बताइए नाउन फ्रेज क्या है, माई यंगर सिस्टर, ये क्या है, ये भी है नाउन फ्रेज, कैसे यूज हुआ है सेंटेंस में, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, थर्ड, जैसे यहाँ पे फोर एंग्री बियर्स स्टॉर्म्ड डाउन द माउंटेन, ये क्या कह रहा है, फोर एंग्री बियर्स स्टॉर्म डाउन द माउंटेन, कि चार एंग्री बियर मतलब गुस्से भालू, गुस्से वाले एंग्री बियर पहाड़ से नीचे उतरे, स्टॉर्म डाउन द माउंटेन, पहाड़ से नीचे उतरे कौन, चार एंग्री बियर। तो आपको पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है, चार एंग्री बियर के बारे में बात हो रही है। तो ये चार एंग्री बियर क्या है, कैसे यूज हो रहे हैं, नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की, देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, नाउन फ्रेज, तो सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ है, नाउन फ्रेज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फिर देखेंगे कि नाउन फ्रेज परफॉर्म्स द एक्शन इन द सेंटेंस, तो नाउन फ्रेज क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इसमें भी ये माई यंगर सिस्टर क्या है, एक्शन को परफॉर्म कर रही है। अगर थर्ड में देखेंगे फोर एंग्री बियर्स, ये क्या है, स्टॉर्म डाउन, उतर रहे हैं नीचे, तो ये उतरना क्या है, ये एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी यही बात की गई है, नाउन फ्रेज क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इट्स फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट, तो ये कैसे एक्ट करेगा, इट्स फंक्शनिंग कैसे फंक्शन कर रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट, ये भी कैसे फंक्शन कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट, ये भी कैसे परफॉर्म कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट। तो आपको इसमें कुछ इतना हैवी हार्ड नहीं है कि आपको समझना है नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, यही याद रखना है कि सब्जेक्ट जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे नाउन फ्रेज के साथ, तो नाउन फ्रेज एक्शन परफॉर्म करेगा, और वही फंक्शन क्या, वो क्या करेगा, इट्स फंक्शनिंग एज द, वो कैसे फंक्शन करेगा, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट एंड नाउन फ्रेज एज अ ऑब्जेक्ट किसका, ऑफ अ प्रेपोजिशन। फिर एक लास्ट बचेगा एब्सोल्यूट फ्रेज टू अ सब्जेक्ट। तो ये अभी फर्स्ट क्या क्या है, हमने नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट हो गया, अभी इसमें तीन पार्ट और है, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, और एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज टू अ सब्जेक्ट। ठीक है, देखेंगे तीनों में क्या है, अगर इसमें अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।